चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल आर। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैंप्ड एट हाफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम। तो दो सिचुएशन है, दो केसेस हैं, ध्यान से सुनना। तो इस सिचुएशन में अगर मैं थ्रेड में टेंशन टी कंसिडर कर लूं, ठीक है, और एंगल थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा कंसिडर कर लूं, और इसमें अगर थ्रेड में टेंशन मैं कहूं, इसमें अलग होगा टी डैश होगा, इसमें भी टी डैश होगा, ये एंगल थीटा डैश कंसिडर कर लूं, थीटा डैश कंसिडर कर लिया मैंने यहां पर। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर जो बॉल है, ये बॉल, ये बॉल, ये चारों एक ही मास की बॉल है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो मास सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम होगा, mg, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, ठीक है। और थ्रेड में टेंशन t है तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करूं t के, तो ये t cos थीटा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, इक्वल है, तो ये t cos थीटा हुआ। इधर क्या हुआ? t sin थीटा होगा, t sin थीटा। सिमिलरली इधर भी वही होगा, ये एंगल थीटा होगा, t cos थीटा, और ये आपका t sin थीटा होगा। सिमिलरली इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, t थीटा डैश, ये होगा t डैश cos थीटा डैश, और इधर t डैश sin थीटा डैश। सिमिलरली इधर भी आप कर सकते हो, थीटा डैश, ये t डैश cos थीटा डैश और टी डैश साइन थीटा डैश, करेक्ट। दोनों चार, दोनों बॉल्स में चार्जेस इक्वल हैं, क्वेश्चन में कहा हुआ है, देखो यहां से देखो, ठीक है। तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा दोनों पे, इधर भी लगेगा, इस फोर्स को हम एफ कंसिडर कर लेते हैं, और इन दोनों में क्योंकि डिस्टेंस अलग है, आर डैश हम कंसिडर कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये आर डैश ही निकालना है, ठीक है। तो ये फोर्स दोनों पे, फोर्स क्या होगा, एफ डैश यहां कंसिडर कर लो, ये एफ डैश कंसिडर कर लो। अब दोनों ही केसेस में आप जो सिनेरियो है वो देखो, केस नंबर वन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, बोला ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, आर आर पे आर है, तो इसका मतलब है ऊपर लगने वाला वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे, मींस बराबर होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। यानी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लगा फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, टी साइन थीटा इस बॉल पे लग रहा है और एफ लग रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। अब ये इस f की वैल्यू कितनी होगी और इस f डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो इस f की वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, k q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जबकि इस f डैश की वैल्यू कितनी होगी? k q इंटू क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, f डैश की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, सही है। तो अब मैं यहां पर अगर इसको k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिख दूं, इसे इक्वेशन वन कहूं, इसके इक्वेशन टू कहूं, और सिमिलरली केस टू में यही सिमिलर इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, t डैश cos थीटा डैश इज इक्वल टू mg होगा, और t डैश sin थीटा डैश इज इक्वल टू f डैश, f डैश की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर, सही है ना, देख लो एक बार, चेक करो, सही लिख रहा हूं ना, ठीक। चलो अब देखो, इसे इक्वेशन थ्री कह दो, इसे इक्वेशन फोर कह दो, यहां पर टू अपॉन वन कर देते हैं, टू अपॉन वन, तो टेन थीटा हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन mg, सही है। यहां पर क्या होगा, फोर अपॉन थ्री करेंगे, इक्वेशन फोर अपॉन इक्वेशन थ्री करेंगे, तो टेन थीटा डैश इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर अपॉन mg होगा, सही है। देखो अच्छा, यहां पर tan थीटा की वैल्यू जरा कैलकुलेट करो, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ये थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, यानी ये r बाई टू हुई ना, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की r बाई टू हुई,
तो परपेंडिकुलर हो गया आर बाई टू अपॉन बेस क्या होगा, ये वाई होगा क्योंकि 90 डिग्री यहां बन रहा है ना, तो हाइपोटेनस तो ये वाली लेंथ होगी ना थ्रेड की लेंथ, तो ये अपॉन वाई हो गया। टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई, टेन थीटा डैश की वैल्यू क्या आएगी इस फिगर में देखो, टेन थीटा डैश ये है तो ये आर डैश बाई टू, आर डैश बाई टू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी वाई बाई टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हो आर बाई टू वाई, और टेन थीटा डैश की जगह अभी मैं पहले ये लिख देता हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, और यहां पर जब रखेंगे टेन थीटा डैश टू टू कट जाएगा आर डैश अपॉन वाई, तो आर डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर एम जी। अगर मैं इसमें आर स्क्वायर को उधर भेज दूं, मैं इसको यहां से फिर लिख दे रहा हूं, यहां पर ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर है यहां पर उधर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन टू वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। और यही चीज यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको आर डैश का स्क्वायर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो, और यहां लिख देता हूं क्या हो जाएगा आर डैश क्यूब अपॉन वाई इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, देखो जरा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी दोनों इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, यानी आर क्यूब अपॉन टू वाई इज इक्वल टू आर डैश क्यूब अपॉन वाई के इक्वल होगी, वाई से वाई कट गया दोनों साइड से, तो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टू होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो, सही लिख रहे हैं। तो r की वैल्यू, r डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर r डैश क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन टू है तो r डैश की वैल्यू होनी चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं r डैश इज इक्वल टू r बाई क्यूब रूट ऑफ टू, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, r डैश इज इक्वल टू r बाई रूट टू, r इज इक्वल टू r क्यूब रूट, क्यूब रूट यहां पर थ्री होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, देखो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।